हेलो क्लास फर्स्ट आज आप कंप्यूटर में चैप्टर टू स्टडी करेंगे और आपका चैप्टर का नेम है कंप्यूटर एंड इंटेलिजेंट मशीन इन दिस चैप्टर वी विल लर्न आप इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी करेंगे सम कॉमन मशीन्स कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर व्हाट कैन अ कंप्यूटर डू मशीन is a man made device which make your work easier and faster तो so मशीन क्या है आपकी एक मैन मेड डिवाइस है जो कि हमारे वर्क को क्या कर देती है काफी easier आसान कर देती है और क्या कर देती है faster फास्टर मीन काफी तेजी से कर देती है काफी तेजी से वर्क करती है मशीन ओके लेट्स सी सम कॉमन फीचर्स ऑफ मशीन ओके तो आइए कुछ कॉमन फीचर्स देखते हैं मशीन के फर्स्ट दे वर्क फास्ट ये काफी तेजी से वर्क करती है दे सेव आवर टाइम एंड एनर्जी ओके अब ये तेजी से वर्क करेगी तो हमारा टाइम भी बचेगा और एनर्जी भी बचती है दे डू नॉट मेक मिस्टेक यानी ये कोई गलती भी नहीं करती है दे डू नॉट गेट टायर्ड और ये कभी थकती भी नहीं है दे वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी लेकिन ये कैसे वर्क करती है इलेक्ट्रिसिटी से ओके सम कॉमन मशीन आप कुछ देखते हैं कॉमन मशीन में क्या क्या है वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन इन आवर डेली लाइफ हम डेली के लाइफ में डिफरेंट टाइप की मशीनों का यूज करते हैं लेट्स अस नो सम ऑफ़ द कॉमन मशीन वी यूज इन आवर हाउसेस तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी हम मशीनों का यूज कॉमन मशीनों का यूज अपने घरों में करते हैं फर्स्ट वी यूज टेलीविजन टू वॉच प्रोग्राम्स। ओके okay, तो आपका टेलीविजन भी क्या है एक मशीन है ओके okay? तो जिसका यूज आप किस में करते हैं प्रोग्राम को देखने में सेकेंड है आपका यूज़ प्लेयर्स टू प्ले म्यूजिक एंड मूवीज़ तो आप म्यूजिक सुनने के लिए या फिर मूवीज को देखने के लिए क्या करते हैं सी डी प्लेयर या फिर डीवीडी प्लेयर का यूज करते हैं ये भी आपकी एक मशीन है बी यूज रेफ्रिजरेटर टू कीप आवर फूड फ्रेश और हम अपने फूड को फ्रेश रखने के लिए ताजा रखने के लिए रेफ्रिजरेटर का भी यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर भी आपकी एक मशीन है बी यूज मोबाइल फोन टू टॉक विथ आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव ओके तो हम अपने फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव से बात करने के लिए क्या यूज करते हैं मोबाइल फोन यानी मोबाइल फोन भी आपका एक कॉमन मशीन है बी यूज एयर कंडीशनर जिसको एसी कहते हैं टू कीप आवर हाउसेस तो आप घरों में एसी का भी यूज करते हैं बी यूज वॉशिंग मशीन टू वॉश आवर क्लोथ यानी हम अपने कपड़ों को धुलने के लिए किसका यूज करते हैं वॉशिंग मशीन का तो ये वॉशिंग मशीन भी हमारी कॉमन मशीन में आ जाएगी अब क्या है नेक्स्ट आपका कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंप्यूटर क्या है आपका एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कंप्यूटर इज अ मशीन इट वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी इट कैन परफॉर्म मैनी टास्क इजली क्विकली एंड एक्यूरेटली लेकिन कंप्यूटर क्या है कंप्यूटर भी आपकी एक मशीन है और इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी और ये किससे चलती है इलेक्ट्रिसिटी से ओके okay? और इट कैन परफॉर्म मेनी टास्क ये कई सारे परफॉर्म्स को क्या करती है इजीली करती है काफी आसानी से क्विकली बहुत जल्दी से और एक्यूरेटली मतलब एकदम सही कोई विदाउट मिस्टेक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं देखते हैं तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर तो डिफरेंट टाइप्स आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर दिस कंप्यूटर आल्सो नोन इज पर्सनल कंप्यूटर दैटमीन टी सी दे आर केप्ट ऑन द डेस्क ओके तो Uh, आपका यह कंप्यूटर uh, किस नाम से जाना जाता है पर्सनल कंप्यूटर के नेम से जिसको आप uh, पीसी भी uh, कहते हैं शॉर्टकट में दे आर के कंप्यूटर कहते हैं आपका लैपटॉप कंप्यूटर और इसको लैपटॉप क्यों बोलते क्योंकि लैब में रहता है ओके इट इज पोर्टेबल कंप्यूटर इट कैन बी इजली यूज ऑन लैब It can run directly by electric sources or on batteries. Okay, तो ये आपका में यूज किया जाता है, आप इसको लैपटॉप भी बोलते हैं और इट कैन रन डायरेक्टली या तो आप इसे डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी से, से भी चला सकते हैं और बैटरी से भी चला सकते हैं देन आपका पाम टॉप कंप्यूटर और ये इसलिए कहा जाता है पाम मीन क्या होता है हथेली मतलब जो हाथ में आ जाए इट इज वेरी ए स्मॉल कंप्यूटर बिच ऑलमोस्ट फिट्स इन आवर पाम इट हैज लिमिटेड फीचर्स ओके तो ये बहुत ही छोटा कंप्यूटर होता है और आपकी हथेली में आ सकता है इतना छोटा होता है और लेकिन इसके जो फीचर्स होते हैं बहुत ही लिमिटेड होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर इट इज डिजिटल कंप्यूटर इट सर्व्स मोर देन थ्री हंड्रेड्स यूजर इट कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड ओके तो आपका ये डिजिटल कंप्यूटर होता है और इसमें एक साथ थ्री हंड्रेड यूजर वर्क कर सकते हैं और इट कैन प्रोसेस मिलियन ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड और इसमें एक सेकेंड में आपके मिलियंस ऑफ प्रोग्राम्स दिए जा सकते हैं then you have a supercomputer it is very powerful and very expensive computer supercomputer is used mostly in military application and weather forecast फोरकास्टिंग uh, ओके okay? तो ये आपका सुपर कंप्यूटर कैसा होता है बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव यानी बहुत महंगा सुपर कंप्यूटर इज यूज मोस्टली इन मिलिट्री एप्लीकेशन एंड वेदर फोरकास्टिंग यानी इसका मैक्सिमम जो यूज कौन करते मिलिट्री वाले करते हैं और वेदर की भविष्यवाणी के लिए किया जाता है कि कल का वेदर कैसा होगा लास्ट है आपका वाट कैन आवर कंप्यूटर डू ओके यानी कंप्यूटर क्या कर सकता है

कंप्यूटर ओके यानी आप रीड कर सकते हैं स्टोरी uh, को रीड और राइट कर सकते हैं गेम और म्यूजिक चला सकते हैं मूवीज और कार्टून देख सकते हैं और अपनी word, uh, uh, जो मैथ की से उसे भी सॉल्व कर सकते हैं ड्रॉ कर सकते हैं और पेंट कर सकते हैं कुछ भी कंप्यूटर पे कंप्यूटर स्टोर द इंफॉर्मेशन इन इट्स मेमोरी फॉर फ्यूचर यूज और कंप्यूटर क्या करता है इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है फ्यूचर में यूज करने के लिए ओके okay?